हमारे अभी तक विश्वविद्यालय से पैसा इन लोगों को नहीं मिला है। बिहार सरकार से पैसा 4 महीने का आई हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय की कुछ अपनी लाचारी है, क्योंकि उसमें कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ऐसा लगता है जो विश्वविद्यालय में जो पैसा आया है देने के लिए, तो वो पैसा कुछ कम आया है, तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय को भी शासन को लाचारी है। विगत 4 महीने का वेतन बिहार सरकार से निर्गत होकर के विश्वविद्यालय में रखी हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ढुलमुल नीति के कारण हम कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। आज सर देखा जाए हमारी शिक्षकेतर कर्मियों अल्प वेतन भोगी है, और सरकार और विश्वविद्यालय अपना चूही बिल्ली चूहा का खेल खेल रही है। आ हम लोग यहाँ पर जो है सो हम लोग का जान जा रहा है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। वेतन नहीं दीजिएगा, परिवार उसी से चलता है। जब मस्तिष्क के स्वस्थ नहीं रहेगा तो कॉलेज में आके क्या काम करेंगे। कि सहरसा के सभी महाविद्यालय में तालाबंदी कर दिए गए हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सहरसा के सर्व नारायण सिंह महाविद्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कई मांग को लेकर यहां पर तमाम जो प्रोफेसर है और शिक्षक है वो यहां पर जो है कॉलेज में तालाबंदी किए हुए। हम सीधे यहां से जुड़ेंगे और जानेंगे सर क्या पूरा मामला है और क्यों आप लोग तालाबंदी किए हुए हैं। नहीं, हम तो प्रधानाचार्य हैं, हम कहे तालाबंदी करेंगे। अभी सचिव से आप हम कहे तालाबंदी करेंगे, तो शिक्षकेतर कर्मचारी लोग तालाबंदी किया है। एक्चुअल में इन लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, वेतन नहीं मिलने के कारण ये लोग तालाबंदी किया है। पर्व भी है, अब अभी दुर्गा पूजा जैसा महान पर्व है, तो इस पर्व में भी वेतन नहीं मिलने के कारण ये लोग बंद किया है। तो हमारे अभी तक विश्वविद्यालय से पैसा इन लोगों को नहीं मिला है। बिहार सरकार से पैसा 4 महीने का आई हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय की कुछ अपनी लाचारी है, क्योंकि उसमें कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ऐसा लगता है जो विश्वविद्यालय में जो पैसा आया है देने के लिए, तो वो पैसा कुछ कम आया है, तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय को भी शासन को लाचारी है, और इन लोगों का भी है कि आज 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर तो स्थिति खराब हो सकती है। क्या आगे बात हुई तो क्या? नहीं, अभी विश्वविद्यालय प्रशासन लगी हुई है जो किसी तरह समस्या का समाधान करें, लेकिन अब सवाल है कि जब तक बिहार सरकार इस पर कोई काम नहीं करती है, और बिहार सरकार जब तक पैसा नहीं देगी तो विश्वविद्यालय कहाँ से देगी। लेकिन यहाँ भी लोग तो कार्य किए हैं, तो इनका भी लाचारी है, जो इनको भी पैसा मिलना चाहिए। और इतना बड़ा पर्व है, तो मैंने हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है दशहरा, और ख़ास करके इस मिथिला के क्षेत्र में तो इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और 4-4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर तो शिक्षक और कर्मचारियों का वो परेशानी तो बहुत बढ़ गई है। तो ये लोग कल माननीय कुलपति महोदय से वार्ता ही लोग करने गए थे, लेकिन वहाँ विश्वविद्यालय की अपनी कुछ लाचारी है। विश्वविद्यालय 2 दिन का शिक्षकों से समय मांगा है, तो शिक्षक का समय मांगा है, लेकिन कर्मचारी लोग नहीं मांगे कि नहीं हमको वेतन दीजिएगा तभी खोलेंगे। इस स्थिति में लोग धरना प्रदर्शन तालाबंदी किया है, तो इस तो एक नई शिक्षा नीति के तहत बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, और इसमें समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन हमको उम्मीद है जो विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर लेगी और इन लोगों का वेतन भुगतान होगा। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ, मैं प्रधानाचार्य यहाँ। जो तालाबंदी आप लोग यहाँ पर किए हुए हैं, क्या कारण है, क्या समस्या आप लोग की? देखा जाए सर, विगत 4 महीने का वेतन बिहार सरकार से निर्गत होकर के विश्वविद्यालय में रखी हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ढुलमुल नीति के कारण हम कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। आज सर देखा जाए हमारी शिक्षकेतर कर्मियाँ अल्प वेतन भोगी है। 5वां महीना बीत रहा है, किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, हम लोगों के दुकानदार अब राशन देना बंद कर दिया है, दूध वाले दूध देना बंद कर दिया है, आगामी दुर्गा पूजा है सर, किस परिस्थिति में हम लोगों की समय गुजर रहा है सो श्रीमान से अवगत नहीं। तो आगे इस परिस्थिति में कल हमने कुलपति महोदय से वार्ता में हम भी थे, हमारे प्रक्षेत्रीय मंत्री थे, प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष थे, और हमारे कर्मी लोग थे,
कुलपति महोदय ने वहाँ राजभवन से बात की दीपक कुमार सिंह से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप में जो भी उनको कहे हो तो उन्होंने कुछ मांगे कागज, वो कहा जो हमने तो कुलपति क्या कहते हैं कुल सचिव महोदय को माह जून के वेतन में ही मैं हस्तगत करा दिया हूँ, जिसको कुलपति महोदय ने आज तक बरगला करके रखा है, उस पत्र को निर्गत नहीं किया है, जिसके कारण हम लोगों का वेतन भुगतान लंबित है वहाँ। तो आपको क्या पत्र निर्गत किया है तो सर उसको आप आम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, इसके लिए हम बाधित होंगे, हम कर्मचारी भूखे मरेंगे। तो ये इसी कारण सर हम लोग आज मैं एक दिन का था हम लोगों का कलम बंद हड़ताल 15 को 16 को और 17 तारीख 15 तारीख को यदि मेरा समाधान नहीं होता तो हम लोग तालाबंदी करके विश्वविद्यालय गेट पर धरना करेंगे महाविद्यालय अनिश्चितकालीन। देवकांत सिंह और भी यहाँ पर देखिए शिक्षकों से बातचीत करेंगे, सर क्या समस्या हो रही है, चार महीने से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, आगे फेस्टिवल पर्व है, क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा आगे आप लोग? आगे चार महीना से वेतन नहीं है कि पाँचवा महीना का भी 17वां दिन है आज, चार महीना 17 दिन से वेतन नहीं मिला है। और फेस्टिवल की आप बात करते हैं, पिछला बकाया जो किराना दुकान का दूध वाला का ऊ का पार खाए हुए फेस्टिवल कहाँ से मना पाएंगे, यह स्थिति है। और सरकार और विश्वविद्यालय अपना चूही बिल्ली का बिल्ली चूहा का खेल खेल रही है, आ हम लोग यहाँ पर जो है सो हम लोग का जान जा रहा है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, वेतन नहीं दीजिएगा, परिवार उसी से चलता है, जब मस्तिष्क के स्वस्थ नहीं रहेगा तो कॉलेज में आके क्या काम करेंगे, तो ये स्थिति है, बहुत बुरा हाल है हम लोगों का। तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोगों का ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा, जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा कॉलेज में काम नहीं होने देंगे। अभी क्या एक दिवसीय आप लोगों का ये प्रदर्शन नहीं, एक दिवसीय नहीं, ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन आप लोग बिल्कुल। तो शैक्षणिक कार्य भी बाधित रहेगा, सभी कार्य को हम लोग ठप किए हैं, मेन गेट ही बंद कर दिए हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा, प्रिंसिपल साहब आए हैं अपना बाहर में खड़ा है, आप देख सकते हैं हमारे शिक्षक कर्मी, हमारे तमाम शिक्षक कर्मी और हमारे तमाम शिक्षकेतर कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। और इसी तरह से विश्वविद्यालय के लगभग सभी महाविद्यालयों की यही स्थिति है, और विश्वविद्यालय को भी आज हम लोग ठप किए हुए हैं। क्या नाम है सर? माधवेंद्र नारायण सिंह। देखिए तमाम यहाँ पर शिक्षक है जो यहाँ पर अब प्रदर्शन करने को विवश हो चुके हैं, ये तालाबंदी किए हुए हैं, कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक कार्य है वो अब बाधित हो चुका है। बताया जा रहा है कि पिछले चार महीने से जो इन लोगों का वेतन है वो नहीं मिला है, जिस कारण ये लोगों की भुखमरी कगार पर ये लोग पहुँच चुके हैं। आगे पर्व है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, लगातार ये लोग अपनी वेतन की मांग की गुहार लगा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई जो है सुनने वाला नहीं मिला, जिसके बाद इन लोगों ने अब मजबूरन में आकर जो है यहाँ पर तालाबंदी किया है। बहरहाल अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।